श्रीमते रामानुजाय नमः। मानव जन्म का बौद्धिक विकास में जो मानव की कामना में दो भाग शास्त्र में कहा गया है, उनका जो पशु पुत्र पौत्र आयु आरोग्य सबके वृद्धि के बारे में, और उनका जो अनिष्ट है या भीक्षय दुर्भिक्ष शत्रु रोग वो सबसे निवृत्ति के लिए मनुष्य तो आहार निश उसका प्रवृत्ति में प्रवर्तमान होते ही रहते हैं। उस समय पर जितना उनकी बुद्धि से नहीं तो उनके शरीर प्रक्रिया से, और जितने लोग हैं दुनिया में जो पढ़ाई से और तपस्या से जितने लोग बने हैं उन सबके माध्यम से जितने वो कर रहे हैं वो सब तो बहुत कुछ परिमित होता है, नहीं तो कुछ जगह में उनका असंभव होता है और कुछ जगह में तो अतृप्ति होती जाती है। इसलिए जो इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो नित्य प्रवर्तमान है उनकी जितनी प्रवृत्ति है वो सब में तो एक सीमा है, वो सीमा के पार में वो नहीं जा सकता है। इसलिए शास्त्र में बोला दृष्ट प्रयत्न अदृष्ट प्रयत्न, जो हम हमारी बुद्धि से ये करना है नहीं करना, कब करना, कैसे करना, किससे करना, ये मिलने के समय में कैसे इसको लेना, कैसे संभालना, इसमें जो यांत्रिक पद्धति है और इसमें जो तांत्रिक पद्धति है, आधुनिक युग में बोलते हैं टेक्निकल फैसिलिटी बोलते हैं, वो तो यांत्रिक पद्धति यांत्रिक सहायता से करते हैं और बुद्धि का उपयोग से करते हैं और कोई आदमी का सहाय से करते हैं, हम इसको उठा सकते हैं और इससे बड़ा कुछ उठाने के समय में दो तीन आदमी का सहयोग हमको चाहिए और इससे बड़ा कुछ उठाने के समय में एक यंत्र जो उद्धारक यंत्र का उपयोग हमको चाहिए। इस आदमी उनका जो बुद्धि का परिणाम और उनका शरीर प्रक्रिया में जो बल है उससे काम करता है और वो जैसा जो मनुष्य लोग हैं सहयोग के लिए उनकी सहायता से कुछ कर रहे हैं, ये दोनों जहाँ असंभव है अतृप्त है अपार है उस समय में यांत्रिक बल से वैज्ञानिक बल से काम कर रहा है, फिर भी वो सबके लिए एक परिमिति है एक सीमा है। वो सब तो दृष्ट प्रयत्न हमारा आंखों से हमारा इंद्रियों से जिसका आगमन हो रहा है इसका प्रक्रिया में हम नियत प्रयत्नमान है वो सब तो दृष्ट बल है, नहीं तो दृष्ट प्रक्रिया है वो। इससे जो पार है अतीत है वो सबको अदृष्ट प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें महर्षियों महानुभाव जो दृष्ट है वो इंद्रिया संबंधित है, इंद्रिय नैकट्य में जो जाता है वो तो दृष्ट है, जिसको हम नहीं समझ सकते जिसका फल हम नहीं देख सकते हैं और जो फल की अनुभूति हमारी दिव्य दृष्टि से नहीं तो भगवान की कृपा दृष्टि से हमारे ऊपर यदि वो होगी हम कुछ उसका समझने में कुछ कोशिश करें वो सब विषय को अदृष्ट बोलते हैं। अदृष्ट समझने के लिए हमको दिव्य पदार्थ का सन्निवेश होना चाहिए, सान्निध्य होना चाहिए। केवल इंद्रिय सन्निवेश से ये दृष्ट बल के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन इंद्रियाधीत अप्राकृत दिव्य मंगल सर्वार्थ फलप्रद विषय में भगवत संबंधित विषयों में जानकारी होने के लिए भगवत प्रसाद की रुचि जाने के लिए ये रसना से ये जीवा से नहीं हो सकता है, उसको दूसरी कुछ शक्ति होना चाहिए। जैसा कीड़ाओं का दर्शन के लिए ये आंख का आवश्यक तो बहुत कम है, ये आंख से दूसरा एक सूक्ष्म दर्शनी के द्वारा वो कीड़ा को देख न सके जिससे कीड़ा का दर्शन हमको बराबर मिलेगा। ऐसा तो दिव्य दृष्टि से दिव्य श्रवण शक्ति से दिव्य रसन शक्ति से ध्यान शक्ति से दिव्य स्पर्श से ही पंचेंद्रियों से जो अतीत है प्राकृत दिव्य मंगल वो अनुभूति को मिलने के लिए आचार्य संबंध और खुद हमारा अंतर्यामी का संबंध और भगवत अनुग्रहित भागों का जो जितने भक्त लोग हैं संत लोग महंत लोग उन सबका अनुग्रह का ईषद वीक्षण का जो पात्रभूत होते हैं कटाक्ष का उनको ही वो मिल सकता है। इसलिए तो हम इतने आदमियों को ढूंढ रहे हैं, जैसा ये रोगी लोग जो रुग्ण है वो वैद्य के लिए ढूंढ रहे, वो पैसा के लिए जो भी दुख में बैठा हुआ है वो धनी के पास जा रहा है, जो अनीति से भारित है वो धार्मिक के पास तो पीछे जा रहा है, वैसा ही जो दिव्य दृष्टि के लिए भगवान की दिव्य दृष्टि से जो जो मंगलमय प्रवृत्ति और प्रगति हमारा आध्यात्मिक और हमारी शारीरिक यात्रा में सब हो सकती है वो सबको प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों को अभी आजकल हम ढूंढ रहे हैं, वो सही आदमी मिलना चाहिए, वो मिलेगा तो उनको हम समझना चाहिए और समझेंगे तो उनके पास होना चाहिए, उनके पास होंगे तो बुद्धि में स्थिरता मिलना चाहिए, स्थिरता है तो मिलना चाहिए। लेकिन परंतु यदि हम विद्युत बिजली को हम पकड़ेंगे
हम फिर यदि उसको पकड़ने के बाद इसको हम निकलना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, फिर भी वो पिछले हम पकड़ने के बाद हमको नहीं छोड़ेगी। वैसे भी भगवत शक्ति एक बार अज्ञान से, ज्ञान से, परिपूर्ण मन से, अपूर्ण मन से, आकांक्षा से, कुछ उपयोग से, निष्काम्य मन से या तो सकाम्य मन से एक बार भगवत पदार्पण एक बार दो चिंतित किया तो यदि हमारा साक्षात मन से हम करते नहीं तो संकल्प का रूप में आचार्यों के द्वारा, नहीं तो शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वो किया जाता है। यदि हमारा दिल से करते हैं, नहीं सिर्फ वचन के लिए बोलते हैं, जो आप समझ के बोलते हैं, फिर भी एक बार जो किया है उसका अर्थ तो अमोघ है, वो तो शाश्वत हमको फलदायक भी है। इसलिए एक बार ही करना चाहिए। एक बार और करेंगे तो फिर हम छोड़ने के बाद भी वो हमको नहीं छोड़ेगा। जितने जन्म भी हो हमारा पापावासनों को निर्ध्वंसन करके, निर्मूलन करके फिर हमको पकड़ के एक दिन में उसको पराभाग होगा। इससे हम तो अभिवृद्धि में, उन्नति में, आत्मा प्रगति में चल जाएंगे। निरंतर मुक्ति और शाश्वत मंगल कल्याण गुणमय परमानंद जो ब्रह्मानंद होते हैं उसके ऊपर हम बैठे रहेंगे हमेशा। वो नित्य लाभ जो हमको मिल जाएगा। इसलिए एक बार एक दृष्टि एक आदमी के ऊपर ईश्वर बिंदु मात्र तो होना ही चाहिए, शास्त्र का निर्बंध है। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं अदृष्ट उपाय हवन से करना। हम जानते हैं यदि हमको एक बेटा चाहिए, वो बेटा चाहिए तो शारीरिक प्रक्रिया तो बहुत है और आयुर्वेदिक प्रक्रिया है और योगिक की प्रक्रिया है, योग से, आयुर्वेद से, अभ्यास से, हमारी कामना से तो कर सकते हैं। जैसे जानवर लोग भी बच्चे बाल मूत्र के साथ ही रहते हैं ना, वैसा हम भी कर सकते हैं। लेकिन संकल्प पूर्वक एक सुपुत्र होने के लिए तो अदृष्ट फल, अदृष्ट सहायता भी होना चाहिए। इसके लिए तो धन धान्य पशु पुत्र आयु आरोग्य पत्नी वर्धन क्षेम राज्य काम दृष्टि समाज गौरव ये सब जो दिव्य संभाग है वो सब हमको मिलने के लिए अदृष्ट सहाय होना चाहिए। अदृष्ट सहाय की परंपरा ऐसी ही है, हमको होना चाहिए मंत्र बल। मंत्र बल देने वाला तो क्रतु है, क्रतु का पुरोहित है, पुरोहित के लिए आचार्य है, आचार्य के लिए वेद श्रुति है, श्रुति के लिए देवता है और देवता के लिए परमात्मा है। ये तो हमारी अदृष्ट परंपरा है। इसलिए मंत्र में विश्वास होना चाहिए। मंत्र विश्वास से हमको क्रिया विश्वास होगा, क्रिया विश्वास से एक पुरोहित नहीं तो एक पंडित वैदिक का सहयोग मिलेगा। जब वैदिक आचार में हमको प्रतिपत्ति होती है उससे धीरे धीरे पाप निकाल के हमको एक सदाचार्य का संबंध होगा जो हमारा शरीर यात्रा के लिए वो मार्गदायक है, मार्गदर्शी भी है। फिर उनसे धीरे धीरे जो हमारे सामान्य मार्गदर्शक उनसे हम धीरे धीरे ज्ञान लेके शनि शनि ही हमारा आध्यात्मिक वृद्धि के लिए जो मार्गदर्शक है उनको पदध्वंद है, उनका जो पद छाया है, उनका जो पद स्मरण है उसमें हम धीरे धीरे चल जाएंगे। इसलिए मंत्र, मंत्र से क्रतु, क्रतु से क्रतु संबंधित वैदिक, वैदिक से आचार्य, आचार्य से देवता, देवता से परमात्मा, ऐसा एक प्रक्रिया है। इसको अदृष्ट प्रक्रिया बोलते हैं। हमारा दिव्य संप्रदाय में जिसमें जो वैष्णव संप्रदाय है जिसमें अनन्य भक्ति अव्यवचारिणी भक्ति तो मूल धर्म है, समस्त देवतात्मक परमात्मा का स्मरण ही करेंगे, दूसरे देवता का आराधन तो नहीं है। इसलिए बाकी लोगों के लिए देवतांतर्यामी परमात्मा और हमारे लिए तो अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा हमारा आराध्य है, उपास्य है। इसलिए सब लोगों की यह परंपरा है, मंत्र क्रतु ब्राह्मण वैदिक आचार्य ऋत्विक पुरोहित होता, ये सब तो एक संप्रदाय है जिससे देवता और देवदेवता परमात्मा का यज्ञ मैंने देव पूजा साक्षात भी कर सकते हैं और दूसरे एक उपाय से भी कर सकते हैं। ये सब देवता के अंतर्गत जो सूक्ष्म अनुप्रवेशनी शक्ति है परमात्मा उसको भी हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए यज्ञ देव पूजाया, यज्ञ का अर्थ यह है कि ये देवता का पूजा, ये परमात्मा की पूजा, ऐसा तो इसका अर्थ भाव है। और आराधन में तीन प्रकार की आराधना हो जाती है। एक तो मानसिक आराधना जिसमें हम हमारा दिल में ही बैठे, बहुत लोग बोल रहे हैं हमारा दिल में ही बैठे हम ध्यान करेंगे, वो तो दिल तो स्थिर नहीं है ना, जो स्थिर नहीं है उसमें कैसे कर सकते हो। इसलिए मानसिक पूजा तो महर्षियों के लिए जो साधना में सब सिद्ध है, जो अविच्छिन्न तैल धारावत धारण सम्य में सिद्धि में जो निर्लग्न है, संलग्न है, सन्नद्ध है, बद्ध है, संबद्ध है, वो जैसा आदि लोगों के लिए महाभाव के लिए ये दिया है। जो मानसिक अध्यात्म साक्षात्कार जो वेद में उपनिषद में द्वात्रिशत विद्यात्मक रूप में जो प्रभाव किया है। और दूसरा तो मन में भी हम स्वरूप निरूप का ध्यान कर सकते हैं, जैसा योग शास्त्र में निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि है। दिल में भी एक रूप रखे भगवान को, एक रूप का स्मरण करके हम ध्यान कर सकते हैं। निरूप में भी करने वाला तो बहुत है। और दूसरा तो स्वरूप आराधन, स्वरूप आराधन में ऐसा तीन प्रकार है, चित्र पद्धति, शिला पद्धति, आयतन पद्धति। चित्र पद्धति मेरे चित्र में प्रतिष्ठा, शिला पद्धति मेरे शिला करुणा,
और शिला तो वो तरु में भी हो सकता है, दारू में हो सकता है, पाषाण में हो सकता है, पंचधातु में हो सकता है, वो सब तो शिला प्रकार। आयतन में जो गृहाचा होता है वो गृहाचा में एक स्थापन करके हम छोटा सा रूप में रखे हम बना के रोज नित्य पूजा में उसको चलाते हैं। और आयतन की पद्धति में ये गर्भगृह अर्धमंडप महामंडप विस्तार वसंत मंडप भोग मंडप उत्सव मंडप आवरण स्थल वृक्ष पुष्करणी गोपुर विमान बलिपीठ ध्वज स्तंभ इस द्वादश अंगों के साथ पूर्ण रूप में इसकी प्रतिष्ठा हम करते हैं, उसको आयतन बोलते हैं। इसलिए जिसमें हम अभी जो कर रहे हैं वो तो स्वरूप प्रकाशन भगवान का दिव्य रूप दिव्य मंगल विग्रह का प्रकाशन मंत्रों से और दृष्ट पदार्थों से द्रव्यों से ऐसा बहुत कुछ रूपों में हम करते हैं। इसलिए चार रूप में भगवान यहाँ उपस्थित है, देवतात्मक दिव्य मंगल विग्रहात्मक मंत्रात्मक और पदार्थात्मक नहीं तो द्रव्यात्मक। हम जितना द्रव्य यहाँ रखा हो तो भगवान तो दो प्रकार का आविर्भाव है, एक तो सर्वांतर्यामित्व का आविर्भाव है, भगवान सब पदार्थ में है। अरे गाय का रूप में भी वही है और महिष का रूप भी वही है ना, अंतर्यामी का रूप में देखेंगे तो गाय और महिष को फर्क नहीं है, लेकिन उनका सानिध्य और दिव्य अंश का रूप में हम देखेंगे तो फिर गाय का रूप में तो सत्व गुण तो अधिक है। सत्व गुण जिस पर अधिक है भगवान भगवान का सानिध्य हम ले सकते हैं। ये विषय तो ये नहीं कि भगवान उसके अंदर है या नहीं, इसका अर्थ यह है कि भगवान का सानिध्य उससे हम ले सकते हैं या नहीं। यदि भगवान वहां है या नहीं आप पूछेंगे तो सब जगह में तो भगवान है, लेकिन आप वहां से ले सकते हैं ये तो भगवान का सानिध्य का विषय विचार नहीं है, आपका स्वीकार शक्ति का विचार, आपका स्वीकार शक्ति का सामर्थ्य है। यह देखेंगे तो शास्त्र में ऐसा बता दिए ये सत्व पदार्थ और ये असत्व पदार्थ, ये निषिद्ध पदार्थ ये तो उपाधेय, ऐसा शास्त्र में ये विभिन्न प्रकार की दृष्टि किया जाता है, जिस पर यदि आप इसको लेके फलवान बन जाएंगे नहीं वो तो शास्त्र का विचार है। भगवान तो उसके ऊपर अनुग्रह किया नहीं, उसके अंदर बैठा या नहीं वो तो हमारा विचार नहीं है, सबके अंदर वो बैठा है। इसलिए वो द्रव्य रूप में जितने हम रखे हैं इसमें भगवान तो सर्वांतर्यामी था, अभी इनकी दिव्य अंश शक्ति में अभी व्याप्त है, इसको हम लेते ग्रहण करते हैं और सिर के ऊपर लगाते हैं नहीं तो अलंकार करते हैं, आंखों में इसका दिव्य स्पर्श कर लेंगे जिससे वो सत्व शक्ति हमारे दिल के अंदर जाती है। जितने करने के भी यदि हमको कुछ भी नहीं मिलता है वो हमारा पाप का भार है, इसलिए इसको बार बार करना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं होता है ऐसा चिंतन हमको नहीं आना कि वो सब निष्फल है, वो सब तो सफल ही है, लेकिन उसका निष्फलता के कारण हमारे अंदर जो है वो बहुत कम है, स्वीकार शक्ति कम है, इसका धारण शक्ति कम है और हमारा जो संचित और प्रारब्ध का पाप का भार तो बहुत ज़्यादा है, जिसलिए जो हम लेते हैं वो भी धीरे धीरे ही काम करेगा और बहुत बार आवृत्ति भी करने पड़ेगा। ये तो शास्त्र का समाधान। इसलिए भगवान यहाँ द्रव्य का रूप में है, मंत्र का रूप में है, सर्वदेवता का रूप में है और जो कुछ हम कदर करते हैं यहाँ सब पदार्थ तो भगवान का दिव्य अंश दिव्य स्वरूप ही है। इसलिए इसको भौतिक उपासना बोलते हैं, हमारा शरीर तो भौतिक है। यदि आपके पास तो एक यंत्र है बोलने के लिए, दूसरा आदमी के पास भी वही यंत्र होना चाहिए, नहीं तो उसका सदृश तुल्य यंत्र होना चाहिए, नहीं तो वो भाषण नहीं होगा। ऐसा भी हम तो भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शक्ति तो हमारे पास बहुत कम है, इसलिए भौतिक प्रक्रिया से ही भगवान की आराधना होना चाहिए। और इसके लिए भगवान तो दो उपाय करता है, आपको अप्राकृत स्थान भी देने के लिए तैयार है, खुद वो तो अप्राकृत है उनको प्राकृत रूप में नीचे लेके आने के लिए भी वो तैयार है, जिससे हमको ऊपर लेके जाते हैं वो सब भगवान का दिव्य रूप दिव्य मंगल विग्रह देखने के लिए, उसको उद्धार प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे वो नीचे आते हैं उसको अवतार प्रक्रिया बोलते हैं। ये अवतार में पहले होते विभव अवतार में राम कृष्ण आदि रूपों में आए थे, अभी अर्चावतार में बैठे हैं, फिर भी ये तो नहीं बोल सकता है, ये तो बहुत कुछ हमको दिख सकता है, हम सुन सकते हैं मंत्र, ये सब में तो हमारी प्रकृति दृष्टि तो ऊपर होगी, लेकिन वो व्याख्या नहीं बोल सकता है, वो तो हमारा दिल भाव से समझना चाहिए। ये विग्रह तो बोलते रहते हैं, ये विग्रह से तो भाषण आए आते जाते हैं, ये विग्रह का स्पर्श है, ये विग्रह में भाषण है, ये विग्रह तो हमको देख रहा है और ये विग्रह का दिव्य गंध तो हम ले रहे हैं, लेकिन वो सब समझने के लिए हमको दिमाग उतना ज्यादा नहीं है। इसलिए अर्चावतार का महत्व हमको दिखाने के लिए आचार्यों का अवतार भगवान ने लिए है, जो हमको समझा सकते हैं वो विग्रह के अंदर जो सत्ता शक्ति है, जो इनके अंदर जो जीव शक्ति है उसको समझाने के लिए आचार्यों का अवतार भगवान ने लिए है। इसलिए विभवावतार का महात्म्य सुप्रतिष्ठा करने के लिए अर्चावतार, अर्चावतार में ये तो ये मूर्ति हमारे पास तो भाषण करते ही रहते हैं, लेकिन वो समझने के लिए यदि हमारा खान तो बंद है उनका बोल हम कैसे समझ सकते हैं, इसलिए वो समझाने के लिए आचार्य का अवतार भी लिए। इसलिए जैसा हमारा शरीर भौतिक है, हमारा
अभी भी बहुत कम है, इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया से तो ज्ञान नहीं हो सकता है, बौद्धिक प्रक्रिया से ही करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जल में करते हैं, वो तो तर्पण, स्नान, पान, प्रोक्षण, मार्जन, पुनः प्रोक्षण, शुद्धि प्रक्रिया, ये सब तो जल से करते हैं। और अग्नि से जो करते हैं वो तो नित्यानुष्ठान में बहुत करते हैं, पंचमहायज्ञ करते हैं, संविधान करते हैं, वैश्वे देव करते हैं, उपासन करते हैं, दक्षिणाग्नि, आत्मज्ञाग्नि, गर्भवत्याग्नि करते हैं और इष्टि करते हैं, इष्टाभूत का बहुत हवन ये अग्नि से ही करते हैं, इसलिए अग्नि रूप में भगवान है। मृत रूप में करते हैं प्रतिमा में, आकाश वायु का संधि है मंत्र, इसलिए पंचभूतों में आकाश और वायु ये दोनों की संधि तो मंत्र है, दो भूत हो गई, और ये सब प्रतिमा तो पृथ्वी मूर्ति का उपस्थान है, इसलिए तीन हो गई। और फिर जल में जो करते हैं वो तर्पणादि क्रिया, और आग में जो करते हैं वो हवनादि क्रिया, इसलिए पंचभूत संबंधित शरीर को फल प्राप्ति लेने के लिए पंचभूत का सहयोग से ये काम तो हम करते रहते हैं, ये शास्त्र का अर्थ है। ऐसा करने के समय में तीन प्रकार का धर्म बोल जाता है शास्त्र में, प्रातिनिध्य, सूचक, सगुण द्रव्य। प्रातिनिध्य मैंने भगवान ने जितने सृष्टि किया है वो सब आके आग में नहीं डाल सकते, भगवान ने करोड़ और करोड़ों की सृष्टि में विभिन्न विचित्र विनोद पदार्थों की सृष्टि की है, सब यहाँ आके मिटा के नहीं कर सकते। ये खाल का भी तकलीफ होता है और द्रव्य का भी तकलीफ होता है और शरीर परिश्रम भी होता है और अर्थ परिस्थिति भी तकलीफ वहाँ हो जाती है, इसलिए प्रातिनिध्य होते हैं, इसका नाम प्रातिनिध्य। यदि 100 पदार्थों की उपस्थिति है वो दुनिया में विद्यमान लाख और करोड़ों का पदार्थों का प्रातिनिध्य वहाँ मिल जाता है। प्रातिनिध्य धर्म में जो आप ये डालते हैं एक पदार्थ, हजार हजारों पदार्थों का वो प्रातिनिध्य रूप में वहाँ उपस्थित है, इसलिए उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। सब जैसा पदार्थों को लेके यहाँ नहीं ले जा सकते हैं। सूचक बोलते हैं, एक आदमी ने पूछा, अरे वस्त्र डालते हैं इसलिए वस्त्र लाभ मिलता है, सोना को डालते हैं इसलिए सोना सिद्धि मिलता है, पुत्र काम के लिए, पुत्र कामेष्टि के लिए क्या बच्चे लोगों को डालेंगे आगे, एक आदमी ने पूछा था, इसलिए शास्त्र में बताता है सूचक दधना जुहोते पुत्र काम, दधी मैंने दही, वो दही में पुत्र के अंदर पुत्र प्राप्ति के लिए जो अंतर विद्यमान चक्र है, स्वरूप है, वही स्वरूप दही में, दही में उपस्थित है, इसलिए वो दही को डालेंगे तो पुत्र का जो सूक्ष्म शक्ति का स्वरूप, वो स्वरूप का डाल दिया जाएगा, जिससे वो पुत्र प्राप्ति भी मिल जाएगी हमको, इसलिए उसको सूचक बोलते हैं। सगुण बोलते हैं, सगुण मैंने मंत्र फल पदार्थ सदृश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंत्र फल पदार्थ सदृश, जो मंत्र से बोलते हैं वो मंत्र के अंदर एक प्रक्रिया है, एक स्वरूप है, और जो पदार्थ आप रखे हैं वो पदार्थ के अंदर एक चक्र है, और जो फल आप चाहते हैं, यदि पुत्र प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, पृथ्वी प्राप्ति, ऐश्वर्य सिद्धि, विवाह सिद्धि, जो कुछ चाहते हैं उसके अंदर एक चक्र है, ये तीनों तो एक ही रूप में होना चाहिए, जिसके बिना वो कार्य सिद्धि नहीं होगी, इसलिए आपको जो चाहिए उसके अनुसार मंत्र होना चाहिए, जो मंत्र बोल रहे हैं इसके अनुसार वो द्रव्य होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं शास्त्र में फल मंत्र पदार्थ समन्वय, इसे यज्ञ शास्त्र में इसको बताते हैं, फल फल के अनुसार मंत्र, मंत्र के अनुसार पदार्थ, इसको समन्वय त्रिकम बोलते हैं, समन्वय त्रय बोलते हैं, ये सब होना चाहिए, जिसके बिना काम नहीं होगा। और ये पदार्थ के बारे में, और जो बोल रहे हैं उनके पास भी ज्वलन होना चाहिए, आग तो बाहर नहीं है, अंदर वो ज्वलन होना चाहिए, बाह्य ज्वलन और अंतर ज्वलन ये दोनों की संधि ही एक ही का फल है, केवल ये आग का नहीं है, आग तो हम रोज रसोई भंडार में ये आग को देखते हैं, और दीपाग्नि, श्मशानाग्नि, काष्ठाग्नि, ज्वलनाग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, लोभाग्नि, जितना अंतर्गत और बहिर्गत ज्वलन का विरूप है, अंतर ज्वलन हमारे अंदर तो होना ही चाहिए, अंतर ज्वलन के बिना वो काम नहीं होगा। अंतर ज्वलन कैसे मिलेगा हमको, मंत्र सिद्धि से, अग्नि सिद्धि से, नित्यानुष्ठान से मिलेगा। मैंने एक बार एक हवन के बारे में एक आदमी को बताया था, तब वहाँ एक जगह में एक बच्चा एक गाड़ी के ऊपर बैठ के मुंह से वो गाड़ी की आवाज़ निकला था, मुंह से ऐसे गाड़ी की जो आवाज़ है वही आवाज़ वो मुंह से निकला था। वैसा ही है जिसके पास अंतर ज्वलन नहीं है, वो सिर्फ मंत्रों का जो आवाज़ मात्र निकलता है सिद्धि के बिना, ये बच्चों जैसे गाड़ी के ऊपर बैठ के वो गाड़ी की आवाज़ निकलते हैं, वैसा ही है, उनको दिखा के वही मैं समझाया उस दिन, और मेरा सौभाग्य है उस समय वो दिखाने के लिए वो काशी वो दृश्य हमको मिला है उस समय बोलने के समय। इसलिए मंत्र सिद्धि होना चाहिए, और अग्नि सिद्धि, अग्नि में तो सब अग्नि एक नहीं है, अग्नि तो एक ही अग्नि है, लेकिन वो अग्नि में हवन करने के समय में दूसरे अग्नि को आसमान में हम करना चाहिए निमंत्रण, वो तो अग्नि नहीं है, अग्रण नहीं की कि अग्नि ही, वो अग्नि तो अलग है, सबको जो दहन करता है वो तो महाशन, और जो बहुत बड़ा पदार्थों को पकड़ता है वो तो अनंत, और
जो अग्नि का स्वरूप में आके वहां उपस्थित है वो तो आविर्भूत, जो ऊपर लेके चलता है वो तो अग्नि, अग्र नयती अग्नि, सुताशन सुतभुक पावक अग्नि, ये सब तो याज्ञिक पदार्थ है। वो हमारे घर में रसोई भंडार में नहीं, तो जीव में जो अग्नि है दीपाग्नि उससे बहुत अलग है। इसलिए वो अग्नि जो आपके सामने खड़े हैं वो अग्नि के अंदर यज्ञ स्वरूप की प्रतिष्ठा मंत्र से करना चाहिए, नहीं तो वो आग और दूसरा आग तो कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा। इसलिए अग्नि संधान नाम दिया है, और अग्नि में सात रसन है, जिह्वा सात है, काली कराली मनोजवा सुलोभिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि, ऐसा सात जिह्वा है। वो सात रसन में रसन फेंक के वो आग में घी डालना चाहिए, यदि रसन का फर्क होगा तो फिर काफी निष्फल होगा, विपरीत फल होगा, अल्पफल होगा, अर्थफल होगा, फल प्रदर्शन नहीं होगा, विप्रदर्शन विप्रकट हो सकता है। इसलिए वो तो अग्नि सिद्धि भी होना चाहिए, नित्यानुष्ठान भी होना चाहिए, और बहुत आचार है वो सब धीरे धीरे हम सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे, क्योंकि इसका समयाचार बोलते हैं, पूर्वांगाचार उत्तरांगाचार बोलते हैं, कि हवन आज हो रहा है तो कल हम सबका अनुष्ठान एक तरफ होना चाहिए, कल का अनुष्ठान एक तरफ होना चाहिए। जैसे एक चिकित्सा करने के समय में पहले कुछ दवाई देते हैं, चिकित्सा के समय में कोई नियम है, और चिकित्सा होने के बाद भी कुछ नियम का परिपालन करना चाहिए, वैसे ही कल एक आचार था वो तो पूर्वांगाचार, आज का आचार तो समयांगाचार, कल जो हम करने वाले हैं अवभृत मंत्र स्मरण उपवास ये सब तो उत्तरांगाचार, ये कोई भी नहीं कर सकते हैं, यज्ञाचार्य भी नहीं करते हैं आजकल, और यजमानों को नहीं जानते भी, इसलिए वो भी करना चाहिए। और यज्ञ में बहुत लोग आस्तिक लोग बहुत आक्षेप करते हैं, आस्तिक लोग, इसलिए तत्वज्ञान पक्ष एक पक्ष है, उसका नाम क्या है, तत्वज्ञान पक्ष, नहि निंदा न्याय पक्ष, उपनिषद पक्ष, विरक्त योगी पक्ष एवं नास्तिक पक्ष, ये सब पांच प्रकार का पक्ष है आक्षेप। तत्वज्ञानी लोग बोलते हैं ये सब तो हवन सब हमारे लिए नहीं है, हम सबसे ऊपर है, इसलिए तत्वज्ञान के लिए ये हवन में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये सुन के जो तत्वज्ञानी नहीं है वो भी आज लोग बोल रहे हैं हमको हवन नहीं चाहिए, हम तो दिल में भगवान को रखा हुआ है, ये सब तत्वज्ञानी ने एक दृष्टि में जो बोले थे वो सुन के आज लोग सामान्य लोग भी तत्वज्ञानी जैसे वो भी बोल रहे हैं हमको यज्ञ नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम सब अतीत है, भगवान हमारे दिल में है और हम रोज घर में बैठ के भगवान का पूजा कर रहे हैं, ये सब बहुत लोग बोल रहे हैं, ये तो तत्वज्ञानी पक्ष। दूसरा तो नहीं निंदा पक्ष, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, ज्ञान योग, ये सब बहुत योगों में वो योगों की प्रशंसा के लिए वो योग तो अधिक कुछ बता दिया है, जिसको दूसरा योग पर दूसरा अनुष्ठान पर कोई भी निंदा नहीं, निंदा कोई भी नहीं करेंगे तो नहीं निंदा बोलते हैं, नहीं निंदा कहे मैंने। यदि ज्ञान योग का प्रशंसा करना चाहिए, ज्ञान योग का प्रस्तावन के लिए, ज्ञान योग अति विशेष है, वो ज्ञान योग ही तपस्या है, वो ही यज्ञ है, ये यज्ञ तो अनावश्यक ऐसा तो बोलते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि यज्ञ तो अनावश्यक है, वो तो नहीं निंदा न्याय। और उपनिषद में बोलते हैं प्रवाह यज्ञ अधृढ़ा यज्ञ रूपा, ये सब अशाश्वत है, यज्ञ नहीं करना चाहिए, ऐसा उपनिषद में है वचन। और चार तो विरक्त योगी, जो विरक्त और योगी वो बोलते हैं मानस साक्षात्कार भगवान के साथ, मानस मिलाकर मुलाकात होके वहाँ जो आनंद की अनुभूति है वही हमको चाहिए, ये हवन सब अनावश्यक है, वो एक पक्ष है। और नास्तिक लोग जानते हैं ये सब ब्राह्मणों की परिकल्पना है, और ये सब द्रव्य का नाश, काल का नाश और धीमा का विनाश है, इसलिए ये छोड़ दो, ये तो नास्तिक का वाद है। और बौद्ध जैन संप्रदाय में भी जो नास्तिक थे वो भी यहाँ तो पशु हिंसा होती है, द्रव्य नाश होता है, इसलिए वो सब नहीं करो, कर्म की अनुभूति स्वयं दुखानुभव से ही हो जाता है, वो सब बुद्ध धर्म है। यदि एक दुख है वो दुख तो अनुभव करना ही चाहिए, अनुभव करने से ही दुख से विमुक्ति है, और कोई दूसरा उपाय से नहीं कर सकते हैं, तो बौद्धों का पक्ष है, इसलिए यह सब बहुत धर्म है। हमारा शास्त्र में भी बहुत पक्षों का प्रकटन है, प्रकटीकरण तो दिया गया है। प्रथम तो जो होम हम कर रहे हैं ये हवन पूजन ये सब भगवद आज्ञा, आज्ञा उल्लंघ्य ये वर्तते सा आज्ञा छेद सा मद्भक्तो भी न वैष्णव, ये सब भगवान का एक प्रमाण वचन है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद्भक्तो भी न वैष्णव, इसलिए जो हम कर रहे हैं यदि वो करना है नहीं करना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, समझते हैं नहीं समझते, वो भगवान की आज्ञा है, इसलिए जो भगवान का सेवक है भगवान का सेवक का रूप में भगवद आज्ञा का रूप में इसको करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर रहे हैं कर्तृत्व, इसका फल हमारे लिए है, हम इसका साधन है, ऐसा बुद्धिपूर्वक हम ऐसा एक अहम भाव और आडंबर भाव से नहीं करना है, सब छोड़ के ये प्रमाण से करना है, ये भगवान की आज्ञा है। इसलिए जो सद्बुद्धिमान है परम भक्त है
को बंद करके ये हवन स्थवन पूजन जैसा भोजन भजन करते हैं, ऐसा हवन स्थवन ये सब भी शास्त्र मर्यादा के लिए भगवत आज्ञा का परिपालन के लिए वो तो करना चाहिए, वो तो भगवत आज्ञा का पक्ष है। और दूसरा जो पक्ष है, जो ये हवन कर रहे हैं वो हवन से हमको सौकर्य और सौविध्य मिल जाएगा, क्योंकि यदि एक निरालंब स्वरूप को हम हमारे दिल में रख के ध्यान करते हैं उसमें क्या आता है, कुछ भी आनंद नहीं है। इसलिए एक रूप रखने से हमको सौकर्य होता है और भगवान का सौलभ्य का मूर्ति है। बहुत लोग बोल रहे हैं हमने भगवान को प्रतिमा बना के रखे, कैसे बना सकते हो, तेरी प्रतिमा भगवान ने बना के दिया है और भगवान की प्रतिमा तुम कैसे बना सकते हो। इसलिए भगवान ने उनका सौलभ्य से अर्चावतार का रूप लिया, वो अर्चावतार का दिव्य मंगल विग्रह उन्होंने दिखाया, वो सब एक प्रतिमा का रूप में बनाने के लिए वो बुद्धि दिया, शक्ति दिया, हाथ और पाद दिया। वो जब इंद्रिय जो जो हमारे पास उसके लिए साधन है, बुद्धि साधन या शारीरिक साधन, वो सब उन्होंने दिए। इसलिए सब लोग अभी समझ के दिल में रखे जिंदगी में आध्यात्मिक यात्रा में चलाना चाहिए। भगवान ने उनकी कृपा से ये दिव्य मंगल विग्रह का रूप लिए है, हम हमारी कल्पना से कुछ चित्र बना के नहीं तो प्रतिमा बना के नहीं रखे कभी भी। ये भगवान का सौलभ्य की सीमा है, वो तो सर्वशक्त है, लेकिन हमारी ऊपर जितनी प्रीति है वो अशक्त जैसा, पत्थर जैसा, पाषाण जैसा, दारू जैसा हमारे ऊपर उपस्थित है कृपा से हमारे सामने, जिससे हमारा आराधन अलंकार और भोजन हमारे पास वो चाहता है। सो सबको देने वाला, सो सबको देखने वाला, सबको देखने वाला, सबको निर्वाह करने वाला, चतुर्दश भूणों का निर्वाहन में जो समर्थ है, जो विश्व उद्धरता और विश्व निर्वाहन में प्रभु है, वो हमारे पास उनकी परम प्रीति से वो हमारे लिए अन्न दे दो, भोज्यासन दे दो, हवन कर दो, हमको आच्छादन कर दो, उत्सव कर दो, ऐसा उनकी प्रीति से दे रहे हैं, प्रीति से हमसे पूछ रहे हैं। वो प्रीति को हम समझना चाहिए, वो तो प्रतिमा की दृष्टि है, वो भी नहीं है। ये प्रतिमा आराधन में ही हमको प्रीति का प्रदर्शन, प्रज्वलन, प्रवहन, प्रगति, सिद्धि होगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रीति प्रदर्शन प्रज्वलन प्रवाह प्रगति पक्ष। यदि हमारे ऊपर एक भगवान मूर्ति और हवन कुंड ये सब द्रव्य नहीं तो हमारा प्रीति को कैसे दिखा सकते हैं। प्रीति को प्रदर्शन दिखाने के लिए, प्रज्वलन कुछ आगे दिखाने के लिए, प्रवाहन वो प्रीति का प्रवाह को बाहर छुड़ाने के लिए और उसको प्रगति धीरे धीरे ऊपर लेने के लिए एक बिंब चाहिए, एक कुंभ चाहिए और स्तंभ चाहिए। वो कुंभ तो कलश है, बिंब तो अर्चा है, स्तंभ तो हवन कुंड है। ये कुंभ बिंब स्तंभ का जो समन्वय, इसको हम यज्ञ कहा जाता है शास्त्र में, वो तो हमको होना ही चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं प्रीति प्रदर्शन प्रज्वलन प्रवाहन प्रगति पक्ष। इसलिए हम करना ही चाहिए यज्ञ। यदि हम नहीं करना चाहते तो फिर कौन करेंगे। फिर लोक संग्रह दृष्टि में करना है। लोक संग्रह मैंने अरे तुमको नहीं चाहिए, लोक विश्व कल्याण के लिए करो, बहुत अच्छा है ना, वो तो लोक संग्रह दृष्टि में करना है, उसको लोक संग्रह पक्ष बोलते हैं। और एक पक्ष नानार्थ पक्ष, नानार्थ पक्ष मैंने यज्ञ मेरे हवन मात्र नहीं है, नाद यज्ञ, गोद यज्ञ, क्रिया यज्ञ, भोज्य यज्ञ, बहुत प्रकार का यज्ञ है। जो जो भगवान की सेवा, भगवत प्रतिनिधियों की सेवा, भक्तों की सेवा होता है, वो सब तो यज्ञ ही है, सब तो यज्ञ स्वरूप ही है। इसको हम बोलते हैं नानार्थ पक्ष, इसलिए यज्ञ तो करना चाहिए, यज्ञ तो एक। इसको हम बोलते हैं नानार्थ पक्ष, इसलिए यज्ञ तो करना चाहिए, यज्ञ तो एक अर्थ में नहीं है। और अंतिम में ये बोलते हैं नानार्थ पक्ष के बाद यज्ञ मूल पक्ष। ये लोक सृष्टि यज्ञ से ही हुआ है, यज्ञ के बिना यह सृष्टि नहीं हुआ। ऋषियों ने यज्ञ किए, देवताओं ने यज्ञ किए, ब्रह्मा ने यज्ञ करके ही हमारी सृष्टि, व्यष्टि और समष्टि सृष्टि भगवान ने यज्ञ के द्वारा ही किया है। भगवान तो यज्ञ मूर्ति है, इसलिए यज्ञ सब धर्मों का आधार है, इसलिए इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। जो तत्वज्ञानी लोग बोलते हैं वो तो नैनित्या न्याय में बोलते हैं, और नास्तिक लोग तो उनकी कुदृष्टि से बोलते हैं, इसलिए कभी भी यज्ञ को नहीं छोड़ना। यज्ञ को यदि छोड़ देंगे तो हमारा कलाचार, हमारा संस्कृति और हमारा राष्ट्र की उन्नति और जो परंपरागत तत्व धर्मों के निधि, वो सब निकल जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए यज्ञ को हमेशा रक्षा करना चाहिए। इसलिए प्रज्ञावाद भी बोलते हैं, प्रज्ञावाद एक बहुत अच्छा वाद है, अभी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ जो उपस्थिति है मंच पर बहुत बड़े विद्वत लोग, ऐसा सब न्याय अन्याय पक्ष विपक्षों का जो आधार, ये सबका संकलन करके एक किताब का रूप में प्रकाशन करना चाहिए। प्रज्ञावाद मैंने क्या बोलता है, एक आदमी बोलता है अरे हमारे दिल में सब कुछ है, हम सब कुछ हमारे दिल के अंदर ही कर देते हैं, मनोबल ही भगवान हमारा मन को ही वो वांछन करता है, हमसे क्या लेना चाहते हैं, हमारी बुद्धि ही वो लेना चाहता है, इसलिए यह सब हवन सब अनावसर है, ये सब निष्फल है, ऐसा कोई लोगों का वाद है। वो सब बहुत लोग हमारा दुर्भाग्य से आस्तिक लोग हैं,
इसलिए वहाँ तो ये बोलना चाहते हैं हम, उसको प्रज्ञावान बोलते हैं। यदि एक बच्चे हैं, बच्चे के ऊपर वो माता जी कैसे बोल सकती है क्या ऐसे, अरे मेरी जो बेटी है या बेटा हो उसके ऊपर हमको बहुत प्रीति है, लेकिन वो रोने के समय में हम नहीं उठाएंगे, हंसने के समय में संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं खिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इनको देखने भी नहीं, उनको सोचने भी नहीं, फिर बहुत प्रीति है मेरे ऊपर। प्रीति का प्रदर्शन होना चाहिए ना, प्रीति तो एक भाव मात्र नहीं है, भाव का प्रकटन भी है। इसलिए जो धर्म है, एक आदमी बोलता है वो आदमी बहुत बड़ा उदार है, वो किसको क्या किया, अरे कुछ भी वो नहीं किया परंतु बहुत बड़ा उदार है, और कुछ भी है कभी भी कुछ भी नहीं किए दिखाए तो वो भाव का विकास, वो भाव का प्रकाशन, वो भाव का प्रकटीकरण और एक क्रिया से उसका प्रदर्शन नहीं है तो वो भाव का क्या लक्षण है, वो भाव का क्या प्रयोजन है। इसलिए उदार भाव, ज्ञान भाव, ये वो आदमी बहुत बड़ा पंडित है, ये कुछ बोलने के लिए बोलो हाँ हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ क्या कुछ समझ लिया, कुछ भी समझ लिए मैंने, मैं कोई क्या पंडित है, पंडा मैंने निष्कलंक ज्ञान, वो ज्ञान का वचन में, लेखन में, नहीं तो साक्षात्कार में, दृष्टि में, स्पर्श में, कोई अप्राकृत प्राकृत उपाधि उसको प्रदर्शन करना चाहते हैं ना, अरे करना चाहिए, नहीं तो बिना उनका गुण का लक्षण क्या, प्रयोजन क्या है। इसलिए तो प्रज्ञावाद में बोलते हैं हम सब हमारे अंदर ही है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आहार औषध न्याय, शास्त्र में बताते हैं आहार औषध न्याय, यदि तुमको खाना चाहिए दिल से नहीं खाते हो, हाथ रख के वो खाते हो ना, अगर मिट्टी को रखेंगे तो तुम खा सकते हो क्या, और आहार में जितनी जागृति है तुमको, और यदि शरीर के लिए कुछ बीमारी आ जाएगी, जितनी जागृति है दिल से हमारी औषध को तुम ले सकते हो। इसलिए शास्त्र में ये बता दिए हैं प्रज्ञावाद में, जो दिल से आहार ले सकते हैं, जो ध्यान से औषध ले सकते हैं, वो ध्यान से भगवत साक्षात्कार भी ले सकते हैं, उनके ये एक और अनुष्ठान तो अवसर है, बाकी लोगों तो सिर्फ मोह से बोलते हैं, नहीं तो आलस्य से बोलते हैं, नहीं तो भ्रमा से बोलते हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों तुम बोलते हो, आलस्य है वो सब करने के लिए, तुम तो आलस हो इसलिए ऐसा बोलते हो, वो तो आलस्य हो, मोह से बोलते हो, तुम मानते हो हम बहुत बड़े हैं इसलिए मोह से बोलते हो, ब्रह्मा से बोलते हो, जो बड़े लोगों के अनुष्ठान है वो देखिए सक्सेस वाला तो बहुत कुछ काम करता है, नीचे बैठ को चुप बैठ के देखो, तुम क्यों वहाँ जाके वो सब उनका काम, तुम तो उसका परिपालन नहीं तो उसका प्रतिरूप तुम क्यों करना चाहते हो। इसलिए ब्रह्मा तो एक गुण है, जो बहुत बड़े लोग हैं उनका अनुष्ठान यदि तुम करना चाहते हो वो तो भ्रमा, तुमको खुद बहुत बड़े समझ के तुम बैठे हो तो मोह, कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सब दिल के अंदर तुम सोचते बैठे हो वो तो आलस्य। ये तीन गुणों से हम बोलते हैं वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन हम सब प्रज्ञा लोग हैं, हमारे पास तो प्रज्ञा है, कुछ आएंगे तो हमको रोते हैं दुख का समय में, आनंद का समय में हंसते हैं, इसलिए हम खाते हैं, हमको क्षुद्ध है, हमको पिपासा है, हमको इच्छा अनिच्छा, ये सब जो जो गुण है वो गुण का आकार है हम, इसलिए हम ऐसा दूसरी दृष्टि में, विपरीत दृष्टि में नहीं बोलना, हमको पूजा नहीं चाहिए, हमको आचार नहीं चाहिए, अनुष्ठान नहीं चाहिए, क्रतु नहीं होना चाहिए, ऐसा सब दुर्बुद्धि से, वो दुर्बुद्धि वासना से ऐसा हो रहा है। इसलिए सब लोग, सज्जन लोग यहाँ जो उपस्थित है, आप ये समझना चाहिए कि हम सब सामान्य प्रज्ञा लोग हैं, प्रज्ञाहीन बहुत बड़े विशिष्ट महर्षि लोग नहीं है, इसलिए जितने विशिष्ट महर्षि लोग वो भी हमको रास्ता दिखाने के लिए उन्हें यज्ञ किए हैं, वो ही व्यक्ति की है तो आप लोगों को क्या काम है दूसरा काम ये करने के बिना। इसलिए बहुत बड़े लोग से सोचते हैं अरे हम नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे तो वो लोग भी छोड़ देंगे, इसलिए उनका मार्गदर्शन के लिए हम करना चाहिए, वो सोच के वो तो लोग संग्रह के लिए वो भी करने वाले हैं, इसलिए वो तिलक धारक नहीं तो कर्णभूषण, यदि बहुत बड़े पंडित लोग भक्त लोग छोड़ देंगे तो अरे इतना बड़ा भक्त लोग वो छोड़ देंगे वो नहीं डाले क्यों हम डालना चाहिए, ऐसा दुर्बुद्धि की प्रकटना दुनिया में आ जाएगी, रास्ता में वो सब वो कुमार्ग में कुपंथा में चल जाएंगे, इसलिए देखना चाहिए, ये प्रज्ञावाद का लक्षण है। और आजकल जो देख रहे हैं वो सब यज्ञ में कितना दोष है, देखिए पहला दोष तो अर्थाभाव, अर्थ ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, ज्यादा हवा में अर्थाभाव, अर्थ नहीं, अर्थ समझ के नहीं करते, और आशाग्रस्त सब लोग बहुत वो मंत्र भक्ति से भी आशा, आशा तो होना चाहिए, अरे आशा जैसे एक शर्करावृत दवाई जानते हैं, एक दवाई के ऊपर देखेंगे तो कुछ शर्करा का मिलन होगा, लेकिन दवाई ज़्यादा होना चाहिए और शर्करा का आवरण तो कम होना चाहिए, यदि शर्करा ज़्यादा है दवाई कम हो उसे क्या करोगे, ऐसा आशा कुछ होना चाहिए हमारे लिए, बहुत आशा उनके ऊपर होना चाहिए जिससे वो फल भी मिलेगा और भक्ति भी बढ़ जाएगी, यदि हमारे ऊपर हमारा प्रतिफल के लिए आशा अधिक है उनके ऊपर कम है, अरे आपके पास आशा ही होना चाहिए, नहीं तो आप तो जानवर है मानव नहीं है, आशा होना चाहिए, लेकिन किसके ऊपर अधिक रखना कहाँ कम रखना वो प्रतिशत जानना चाहिए, आपके ऊपर आपका पशु पुत्र ऐश्वर्य शांति ऋण विमोचन शत्रुओं से विमोचन होना ही चाहिए, नहीं तो भगवान किसके लिए, हमारा उद्धार के लिए, लेकिन जो चाहिए उसके ऊपर कम रखिए, जो हमारे दाता है उनके ऊपर बड़ा रखिए,
ज्यादा रखिए, वो तो एक निर्माण है, ये तो प्रमाण है शास्त्र का। इसलिए आशायुक्त और दोष भरित लोप भरित होम करते हैं हम, विधि विहीन, अभी तो विधि कुछ भी नहीं है, ज्यादा भी विधि नहीं है अभी, और विधि विहीन करते हैं अकाल होम। अभी तो मैंने सुना अश्वमेध करते हैं, राजसूय कर रहे हैं, अरे करने के लिए कर्तव्य इष्टि इतना नित्याराधन में है, नित्याराधन कोई भी नहीं करते हैं, और दिव्य क्षेत्रों में पवित्रोत्सव मंगलोत्सव ये सब आराधन के लिए बहुत याद, बहुत जो जो करना चाहिए वो सब बोले छोड़ दिए, वो सब छोड़ गए, तुम तो यहाँ अश्वमेध जो जो ये काल में अकाल है करने के लिए निषिद्ध, वो सब क्यों कर रहे हैं, ये तो विपरीत बुद्धि है ना, ये तो अकाल। और एक दोष है उसको क्या बोलते हैं, त्वरित, अरे हम तो घड़ी देखे रहते हैं, दो घंटे में करना चाहिए, त्वरित मैंने जल्दी करो जल्दी करो। यदि एक मैंने एक हवन में बोला, यदि एक वैद्यशाला में एक चिकित्सालय में अंदर बैठे हैं डॉक्टर के साथ, तब बताएंगे दो घंटे में करो तीन घंटे में करो, त्वरित नहीं करना। और एक दोष है संक्षिप्त, संक्षिप्त मैंने तो दो तीन दिन में जो करना चाहिए वो तो एक दिन में करना, एक घंटे में करना, तो जल्दी जल्दी करना तो त्वरित है, बहुत छोड़ के करना तो संक्षिप्त है, संक्षिप्त ये लोग करना चाहते हैं, ये सब आजकल का लक्षण है। वो यदि से कैसे फल मिलेगा, फल भी संक्षिप्त बोला जाएगा, फल तो आपको विस्तार। और ये भी और एक है, और एक बहुत बड़ा उपाय है, उसको बोलते हैं कुविस्तार, क्या बोलते हैं कुविस्तार, विस्तार मैंने विस्तार का रूप में करना चाहिए हवन, वो हवन की प्रक्रिया विस्तार नहीं करते हैं, वो तो छाया चित्र लेना, वो वीडियो खींचना और गाना सुनाना, वो सब जो याद में उपांग है वो उपांग तो बहुत लंबा रूप में वो तो करते रहते हैं, दो घंटे तीन घंटे तक बहुत कुछ। यदि एक शादी में देखेंगे तो मंत्र पूर्वक शादी तो बहुत कम है, उनका जो आडंबर है उसमें तो ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो 40 मिनट में हो सकता है, लेकिन 4 घंटे के अंदर वो गाने वाला गाते रहता है, जिस शादी को कुछ भी संबंध नहीं, वो गाना उस शादी को कुछ भी संबंध नहीं, ये सब तो चल रहा है, उसको क्या शास्त्र में बोलते हैं कुविस्तार, वो विस्तार ही है, परंतु वो विस्तार की पद्धति तो कुविस्तार, वो दुर्मार्ग में चल रहा है, सन्मार्ग में शास्त्रयुक्त नहीं है, ये सब यज्ञों का दोष है। ये सब निवारण करने के लिए हम एक दृष्टि रखना ही चाहिए, यज्ञ से क्या फल हमको मिलेगा, यज्ञ से हमको क्या फल मिलेगा, बहुत यज्ञों का आचरण करने के लिए योग्यता मिलेगी, ये यज्ञ हम बराबर करेंगे तो बार बार अच्छा यज्ञ करने के लिए हमको सौभाग्य मिलेगा, वो बहुत बड़ा फल है, और यज्ञ से आत्मपुष्टि मिलेगी, आत्मपुष्टि मिलेगी और दिल की शांति मिलेगी। और विशिष्ट यज्ञ है शाम के लिए, अराजक के लिए, कुराजा के लिए, राज्य भार के लिए, पशु पक्षी प्राणियों की पीड़ा के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय विभागों में जो कला होता है युद्ध अपाय युद्ध में जय, सबके लिए अलग अलग प्रकार का हवन है, वो ज़्यादा भी लोग आजकल नहीं कर रहे हैं, और हमारे लिए भी पुत्र प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य वृद्धि के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शास्त्र में बताया अंग उपांग विभागांग होना चाहिए, अंग मैंने गुणांग, जो हवन कर रहा है हवन करने वाला कराने वाला सबको गुण का आयोजन भी होना चाहिए, उनका दिल में यदि वो शक्ति है लेने के लिए, क्या शक्ति, आर्जव प्रीति लोक कल्याण सत्य वैराग्य ये सब गुण इनके अंदर होगा तो उसके साथ मिलकर हवन की शक्ति काम करेगा, वो हवन का दिन छोड़कर सब जो जो किए वो सब बुरा काम है, सिर्फ एक दिन सुबह से रात तक तो हवन किया है, वो दोनों मिलकर कैसे काम करेगा, इसलिए जो करने वाले हैं कराने वाले हैं धीरे धीरे यज्ञ के लिए भगवत सामिप्य के लिए जो जो अनुकूल गुण है उसको पकड़ना है, जो जो प्रतिकूल गुण है उनको छोड़ना है, एक खाना है वो खाना है वो शराब पीना ये सब तो शरीर का विकार है, और झूठ बोलना और परहिंसा करना ये तो बुद्धि का विकार है, मन की विकार है, ये सब छोड़ के ही यज्ञ का फल मिल जाएगा। यदि इसके साथ कोई हवन करेगा उनको फल नहीं मिलेगा, इसको शास्त्र कोई बोलते हैं आकांक्षा भूमि, क्या बोलते हैं आकांक्षा भूमि, आज हम एक यज्ञ करते हैं वो यज्ञ का फल ऊपर जाके एक भूमि में आपके लिए इंतजार करेगी, उसको आकांक्षा भूमि बोलते हैं, जब तक आप दिल बदल के शताब्दी नहीं बन गए तब तक वहाँ ही वो बैठेगा, धीरे धीरे आपके पास कुछ परिवर्तन होगा तो तब वो आके आपके पास, यदि आप जब शांति परम उपकार ऐसा सद्बुद्धि आ जाएगी तब वो यज्ञ का फल भी मिलकर आपको फल देगा, तब तक वो तो अस्थिर होगा, पत्थर जैसे वहाँ आपके लिए इंतजार में बैठेगा, वो इसके लिए आकांक्षा भूमि बोलते हैं। इसलिए जो यज्ञ करने वाले यज्ञ का जो यज्ञ धर्म यज्ञ मूर्ति का जो अनुकूल गुण है जिसके पास अब उसको ही वो फल मिल रहा है, अरे हमको फल मिला कैसे मिला, अरे इसके पहले तुम आज जो शांति परोपकार गुण से पहले जन्म में जो जो किए उसका फल अभी मिल रहा है, ये तो इसका फल नहीं, यदि भगवान ऐसा पाप करने वाले को ऐसा दुख करने वाला है और क्षमा करने वाला है, जो क्षमा से हमको पाप से विमुक्ति नहीं है बुद्धि का परिवर्तन नहीं होगा वो तो भगवान ही नहीं है, भगवान तो यदि हमको पाप हमारा पापों का कम करने वाला
तो भगवान है और क्षमा करने वाला तो भगवान है। क्षमा से हमारा पाप तो कम हो जाना है, कम तो अभी तो पाप तो बढ़ जाती है, इसलिए वो पाप शक्ति जो बढ़ जाती है उससे हम जानना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत दूर है। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं आकांक्षा भूमि में जो अभी इंतजार में है वो फलभाग हम लेने के लिए अवश्य आपको गुणांग होना चाहिए। और ये सब तो नृत्य नाटक संगीत प्रवचन प्रसाद का विनियो ये सब इसका विभाग अंग है। और शास्त्र में ये भी बताया जिसको वैदिकों के ऊपर भक्ति नहीं है, दिव्य क्षेत्रों के ऊपर भगवान की दिव्य सन्निधि में भक्ति नहीं है, गाय पशुओं के बाद भक्ति नहीं है उनके ऊपर, और वेदों के ऊपर भक्ति नहीं है तो पंच विभाग बोलते हैं, पूर्ण भक्ति होना चाहिए। अरे एक आदमी का आँख बहुत सुंदर है इसलिए वो अलग निकल के एक पेटी में रख के देख सकते हैं क्या? इसलिए पूर्ण रूप में होना चाहिए। यदि एक आदमी के पास आस्तिक्य है भक्ति है वो पूर्ण रूप होना चाहिए। पूर्ण भक्ति तो यज्ञों में भक्ति नहीं है, यज्ञ में भक्ति पशु उद्धेरु में भक्ति भगवान श्रुति का रूप में है, इसलिए श्रुति शास्त्र संप्रदाय में प्रतिपत्ति और भक्ति और वैदिक ब्राह्मण लोग जो धर्माचारी लोग उनके ऊपर भक्ति ये सब होना ही चाहिए। इसलिए वेद वैदिक देनु आलय क्रतु ये पांच विभाग में जिसको भक्ति है वो तो पूर्ण आस्तिक है। यदि एक के ऊपर भक्ति है दूसरे तीसरे में चीजों में उनको अलक्ष्य भाव होता है वो तो आस्तिक वेश में नास्तिक है, उनको आस्तिक या नास्तिक बोलना चाहिए। शास्त्र में ऐसा ही उनका नामकरण किया है, इसलिए हमको ये पंच विभागों में वो होना चाहिए। इसलिए हम आजकल क्या करना चाहिए, प्रबंध सब लोग नित्य आराधन करना चाहिए, हवन उनकी शक्ति पर आधारित करना चाहिए। वो सब हम नहीं कर सकते हैं, रोज बैठ के नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो करने वाले हैं उनके ऊपर सद्वारा का पोषण कर सकते हैं। शास्त्र में बताते हैं सद्वारा का पोषण, अरे तेरे घर में 100-200 गाय रखे, गाय की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, फिर भी जो सुरक्षा करने वाला उनका सहाय करो। तुम वेद नहीं पढ़ सकते हो, जो वेद का छात्र लोग उनका पोषण करो, और जो ब्राह्मण लोग का उनका पोषण करो। तुम मंदिर नहीं बना सकते हो, जो मंदिर प्रतिष्ठित है वहाँ कुछ प्रवीण है, वहाँ कुछ तो अभी नयून्य है, उसके लिए तुम कुछ दान वगैरह वहाँ तो कर लो। इसलिए मंदिर पशु शास्त्र वैदिक क्रतु जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ हम करना चाहिए, इसलिए हमको शुभ व्रय होगा। क्या बोलते हैं शुभ व्रय, यदि दिल से हम 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, फिर हंस के हम 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, फिर रो के 1000 रुपये आपका वैद्य को नहीं तो और किसी को देना ही चाहिए। इसलिए भाव प्रकर्ष से आप दिल से देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो बलात्कार के लिए आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो आपके दिल के लिए हम छोड़ देते हैं। इसलिए सद्वार के रूप में जो जो कर रहे हैं उनको हम सहाय करना ही चाहिए। इसको चार प्रकार का उपाय है, एक तो प्रबंध जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ तुम सहाय करो, वो तो प्रबंध, और दूसरा तो परीक्षा वो हवन कैसा करना चाहिए ये सब एक ग्रंथ का रूप में हाथ में रखे देखना चाहिए। वो तो हवनाचार्य ऐसा करते हैं नहीं, फिर क्या जानते हैं। एक दिन हम हवन में जितना करना चाहिए लगभग 200-300 अंतों का नाम मैंने पहला जो यज्ञ हुआ है वहाँ मैंने बताया विस्तार का रूप में। अभी तो ये सब रखे, यदि वो लोग परीक्षा करने के लिए कोई भी नहीं इसलिए वो तो संक्षिप्त रूप में करते हैं, कुछ ना कुछ करते चल जाते हैं, इसलिए वो परीक्षा करना चाहिए। और ये सब माहेश्वरी भवन ऐसा जो आस्तिक समाज है वो सब मिलके 10 या 15 जो छात्र लोग हैं मानवक लोग हैं छात्र लोग उनको विशेष प्रशिक्षण, अरे हवन से आप कुछ फल लेना चाहते हैं आपका अपाय के लिए उपाय का रूप में हवन से आप फल लेना चाहते हैं और इसके लिए आप कुछ काम करना ही चाहिए। अरे फल मात्र हम लेना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे तो वो तो दुराभिप्राय, तो वो तो नहीं होना चाहिए आपके पास। एक स्थल में 10-15 लोग 20 लोगों को अभी छोटी उम्र में 7-8 उम्र में 10 साल का यज्ञ पद्धति में यज्ञ मीमांसा में उनको विलक्षण आचार्य और दीक्षित बनाने के लिए हम प्रशिक्षण वहाँ देना चाहिए, जिसमें विश्व कल्याण होगा। अभी तो ये तीसरा यज्ञ है और दंड का रूप में मैंने दिया, अनुग्रह निग्रह का रूप में मैंने ये दिया है और अभी कुछ संतुष्ट है और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें हम समझ के यज्ञ के बारे में बहुत समझ के प्रति एक यज्ञ में जब आते हैं तो वो सब हमारा परिणाम है। अभी ये यज्ञ आके आप सब दर्शन करके अभी चल जाते हैं, फिर दूसरा एक करने के समय में ये मध्यकाल में आपके अंदर जो परिणाम होना चाहिए जिसमें आपकी रक्ति भक्ति शक्ति बुद्धि और युक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपको भी कल्याण और आपसे विश्व का कल्याण भी होगा। नारायण नारायण।